गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपको पता होगा कि हम कहाँ हैं, हम फ्रैक्शन पे हैं। हम आ चुके हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों का भाग। हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन, हमने तीनों को देख लिया है। अब आ चुके हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों के भाग पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भिन्नों का भाग क्या है। मान लीजिए दो भिन्न रहेगा और उसमें हमें भाग करना रहता है, तो वही होगा भिन्नों का भाग। तो मान लीजिए मैं दो भिन्न ले लेता हूँ, तो सबसे पहले ले लेता हूँ ये, मान लीजिए मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर वन ना, एक भिन्न ये है और दूसरे भिन्न में लेता हूँ 15/5। एक भिन्न ये, इसमें हमें भाग करना है। तो देखिए बस ये मैंने भाग का चिन्ह लगा दिया, 20/10 / 15/5। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए भाग का चिन्ह है, तो ये आगे जाके क्या किस में बदल जाएगा, गुणे के चिन्ह में बदल जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, उसमें आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट कीजिएगा कि आपने 5 सेकंड में लगा लिया है कि नहीं, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। 3 5 4 3 2 1 0। देखिए टाइम अप हो चुका है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को बताता हूँ। तो ये देखिए 20/10 / 15/5। तो आगे देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको पूरा को लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए 20/10, मैंने इसको लिख लिया, 20/10 हो चुका। अब देखिए मैं क्या लिखता हूँ, अब ये भाग का चिन्ह है ना, तो मैं इसको गुणे का चिन्ह लिख देता हूँ। अब लोग देखिए अब क्या होगा, ये गुणे का चिन्ह हो गया। तो ये देखिए 15/5 जो है, ये 15/5 हो, तो ये 5/15 हो जाएगा। यही हमारा क्या है, नियम है। ये भाग का चिन्ह भी जा रहा है, वहाँ आप गुणे का चिन्ह लिख दीजिए। और ये 15/5 है, तो ये देखिए 5 ऊपर चला जाएगा और ये 15 नीचे आ जाएगा। ये देखिए 5 जो है ऊपर चला जाएगा और ये 15 जो है ये नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/15। मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है, लेकिन आप लोग ऐसे मत लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा दीजिएगा, 20/10, ये वाला कुछ भी नहीं होगा इसमें चेंज, लेकिन इसमें ज़रूर चेंज होगा। आप यहाँ पर भाग है, तो यहाँ पर गुणा लिख दीजिएगा, और ये 15/5 है, तो ये 5/15 लिख दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर 15/20 रहता, तो हम इसे 20/15 लिखते हैं। तो अब इसके आगे हम सीधे काट देंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में गुणा किया था। तो ये देखिए 5 × 5 और 5 × 2 = 10, 2 बार काट जाएगा। और ये देखिए 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 20। ये देखिए अब मैं सीधे सीधे गुणा कर देता हूँ। तो देखिए 10 × 1 = 10 और 1 × 15 = 15। अब देखिए फिर भी कट रहा है, अब किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो देखिए 5 × 2 = 10 और देखिए 5 × 3 = 15, 2/3, यही होगा क्या होगा हमारा आंसर, 2/3। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट करके देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 5/3 / 7/9, यही है हमारा क्वेश्चन। तो चलिए जल्द से जल्द इसको भी ख़त्म करते हैं। तो ये देखिए हम पूरा इसको अंश बटा हर ये पूरा हम लिख देंगे, ये फर्स्ट वाला, ये देखिए लिख देंगे 5/3, पहला हमने लिख दिया। अब ये देखिए भाग है, तो इसको हम गुणा कर देंगे, और ये जो भिन्न है 7/9, ये पलट जाएगा, तो ये 9/7 हो जाएगा। अब हम इसे काट देते हैं। तो देखिए 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, 3 बार कट गया। अब हम सीधे सीधे गुणा कर देंगे। तो देखिए 5 × 3 = 15, ये 1 × 7 = 7, 15/7 आ गया। अब हम इसे सही संयुक्त बटा हम बदल लेते हैं, संयुक्त भिन्न में। तो देखिए 7 × 1 = 7, नहीं देखिए 2 बार भाग जाएगी। तो ये देखिए इसे मैं काट देता हूँ, 7 × 2 = 14, 2 बार भाग गई और 1 बचा शेष और 7/7, 2 × 1 = 7, ये होगा हमारा आंसर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो ये देखिए 3/4 / 1/4, ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग 5 सेकंड में लगा लीजिएगा। मैं आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दे देता हूँ। तो देखिए मैं इसे बराबर कर देता हूँ, आप लोग 5 सेकंड में लगा लीजिएगा, आप फिर कमेंट कर दीजिएगा आंसर को। तो देखिए ये 3/4 हम सीधे इसको उतार लेंगे, और ये देखिए भाग का चिन्ह, तो ये गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/1। अब देखिए 1 का मान कोई नहीं रहा, तो ये 4 से 4 जो है कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, हमारा आंसर कितना जाएगा, 3। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4,
ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसे भी आप लगा लीजिए। तो मैं आपको 5 सेकंड में आप लगाकर कमेंट कर दीजिए आंसर को, आपका आंसर सही है या मेरा। तो देखिए मैं आप इस क्वेश्चन को बताता हूँ, ये सीधे ये जो भिन्न है इसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये देखिए 9/4, मैं इसे पूरा लिख दूंगा। और ये देखिए भाग का चिन्ह है तो ये गूढ़ा हो जाएगा। और ये देखिए 4/2 है तो 2/4 हो जाएगा, भिन्न जो है पलट जाएगी इसका, ये गूढ़ा हो जाएगा। और ये 4/2 है तो 2/4 हो जाएगा, यही नियम है। फिर हम काट लेते हैं सीधे सीधे। तो ये देखिए 2 + 2 और 2 × 4, आप तिरछे में काट सकते हैं और सीधे सीधे भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ बराबर बराबर में नहीं काट सकते, सिर्फ बराबर बराबर में गूढ़ा कर सकते हैं, क्योंकि गूढ़ा का चिन्ह है। तो देखिए हम सीधे, अब देखिए नहीं कट रहा है कहीं भी, तो हम सीधे गूढ़ा कर देते हैं। 9 × 9, ये देखिए 9 हो जाएगा। फिर बटे लगा देंगे, फिर 4 × 8। अब मैं इसे संयोग में बदल लेता हूँ। देखिए 8 × 8 एक बार भाग जाएगी और एक बच्चे का शेष, और यहाँ पर लिख देंगे 8, यही होगा हमारा आंसर 101/8। अब चलिए अगला क्वेश्चन इससे डिफिकल्ट देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो देखिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 को लिखता हूँ। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, 5 / 3 = 4/7। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बस ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। तो देखिए ये 5 है तो मैं इसे 5/1 मान लूँगा। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम 1 को 1/1 क्यों मानते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो को ज़रूर देख लें। फिर देखिए मैं भाग का चिन्ह लगा दूँगा, अब 3 से 4/7 लिख दूँगा। मैं बता देता हूँ आपको 1/1 क्यों मानते हैं, आप किसी भी संख्या के नीचे 1/1 मान सकते हैं, चाहे वो किसी कोई भी संख्या हो। तो अब देखिए मैं इसे जो है, ये देखिए संयुक्त भिन्न है, मैं इसे भिन्न में बदल लेता हूँ। तो ये देखिए 5/1, फिर भाग का चिन्ह लगा दूंगा। अब इसके बाद इसे 7 × 21 हो जाएगा और 21 × 4 = 25, 25/7, ये देखिए 25/7 आ गया। अब मैं इसे सीधे बराबर करके गूढ़ा को भाग में, भाग को गूढ़ा में बदल लेता हूँ। तो ये देखिए 5/1, ये गुड़ भाग है तो गुड़ा का चिन्ह लग जाएगा, और ये 25/7 है तो 7/25 हो जाएगा, 7/25। अब मैं इसे सीधा काट रहा हूँ, तो देखिए 5 × 5 = 5×5 = 25, इसी में कटेगा। और अब देखिए अब किस कोई नहीं कटेगा, तो अब सीधे सीधे गुड़ा कर लेंगे। तो देखिए 1 × 7 = 7 और 1 × 5 = 5, 7/5 हो जाएगा। अब मैं इसे सनी में बदल लेता हूँ, तो देखिए 5 × 5 और ये 2 हासिल, अरे मतलब शेष और 1/5, 1 / 2/5, ये होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 / 2/5, ये होगा हमारा आंसर। हमने देखिए पूरा कंप्लीट कर लिया फ्रैक्शन में, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी चारों फ्रैक्शन, भिन्न का भाग, भिन्न का गुणा, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, हमने चारों को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं चारों को मिलाकर एक साथ अगली वीडियो में आपको लेकर आऊँगा, चारों को एक साथ मिला के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो चैनल पर जाके दूसरे भी वीडियो को देख लीजिए, ताकि आप लोग उससे भी कुछ सीख लें, ताकि आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिल सके। तो चलिए जल्दी अगली न्यू वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।